चलिए देखिए यहाँ पे दैनिक जीवन मेरा सैनिक चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 16 है आपका जो कक्षा 12 का है। देखिए निम्नलिखित में से अब साधक कौन है? आंसर आपका सेंकोनल। नोबजीन एक समान है, नोबजीन एक आपका पीड़ाहारी है। कौन प्रतिरोधी क्रीम है? तो फ्यूराशीन एक आपका प्रतिरोधी क्रीम होता है आपका फ्यूराशीन। किस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं पैथोजेन। किस प्रकार की औषधि ज्वर कम करती है? तो ज्वर नासी। किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है? आपका हो जाएगा इक्वेनिल। डिटॉल का उपयोग है तो डिटॉल का उपयोग किया जाता है पूर्तिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। एस्पिरिन का दूसरा नाम है टू एसी टॉक्सी बेंजोइक एसिड। इक्वेनिल का उपयोग होता है अब स्वाद मिटाने में। निम्न में से कौन प्रति जैविक नहीं है? बाई थायोनल एस्पिरिन है ज्वरनासी। औषध जो दर्द निवारण का कार्य करती है कहलाती है पीड़ाहारी। कौन सा पीड़ाहारी व्यसन उत्पन्न करता है? मॉर्फिन। LSD लाइस जिर्क एसिड डाई एथिल एमाइड है। साइकोडेलिक औषध रेजर पाइन है हार्मोन। प्रोथीमाजीन एक है प्रति हिस्टामिन। टिंक्चर आयोडीन है I2 का एल्कोहलीय बिलियन। सल्फा डाइजीन है एंटी कैंसर। ये पदार्थ जो पेट की अम्लता को प्रभावहीन करते हैं कहलाते हैं प्रति अम्ल। एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट एक अपमार्जक है रिनाइनी। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होते हैं क्लोरामफीनिकोल। कौन सा प्रशांतक है? सीकोनल। प्रति एड्स रूप में उपयोग औषधि है AZT। निम्न में से कौन सी औषध विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक नहीं है? तो आपका हो जाएगा पेनिसिलिन। कौन सी औषधि ज्वर को कम करती है? अश्वापक पीड़ाहारी। बारब्यूटरिक अम्ल का उपयोग होता है प्रतिजैविक के रूप में। कौन सा बारब्यूटरिक अम्ल का उत्पन्न नहीं है? इक्वेनिल। निम्न में कौन सा औषधि स्वपापक पीड़ाहारी है? इब्रुप्रोफेन। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम मधुरक है? सुक्रोलोस। कौन सा प्रतिजैविक है? सभी इसमें पेनिसिलिन सल्फापाइरिडीन सिप्रोफ्लोक्सासिन। प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है क्लोरामफेनिकोल। कपड़ा धोने का सोडा होता है Na2CO3×10H2O। बुझा हुआ चूना है CaOH2। बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। पारासीटामोल है पीड़ाहारी। फिनॉल तथा KMnO4 का 1-2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? विसंक्रामी के रूप में। पेट में अत्यधिक अम्लता को बनने से रोका जा सकता है प्रत्यय अम्ल के द्वारा। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं ज्वरनाशी। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे चलिए अगला चैप्टर देखेंगे जैव अणु चैप्टर नंबर 15। रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। दूध में मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण है केसीन। किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? तो पेप्टाइडेस द्वारा।
निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उपापचयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है? लिपिड के द्वारा। रक्त के तरल अवयव प्लाज्मा का कुल प्रतिशत होता है 55%। कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण किया जाता है पॉलिस परीक्षण द्वारा। एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है। COOH और NH2 वसा के साथ अवशोषित विटामिन है आंत में। ए और डी कौन सा अमीनो अम्ल कोरेल है? इनमें से कोई नहीं होगा आपका। कौन सा जैव अणु जल में अभिलेय है? तो कीरेटिन। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? फिब्रिनोजेन। कौन सा प्रोटीन नहीं है? डीएनए प्रोटीन नहीं है। कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता है? तो गैलेक्टोस। अमीनो अम्ल बनाते हैं प्रोटीन। जैव प्रक्रिया में एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक। कौन सा शर्करा अधिक स्वादिष्ट है? कौन सा शर्करा अधिक स्वादिष्ट है? फ्रक्टोस। कौन सा संक्रमण धातु रखता है? बी और सी। न्यूक्लिक एसिड क्षार में दो बंद जगह होती है ग्वानिन। कौन सा क्षार आरएनए में और आरएनए में तथा डीएनए में नहीं है? यूरेसिल। सेल्यूलोस के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है डी ग्लूकोस। कोशिका भित्ति मुक्ता बनी होती है फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा क्रियात्मक समूह डाइसल्फाइड आबंध में भाग लेता है? थायोल। न्यूक्लिक अम्लों में क्रम रहता है भस्म शुगर फॉस्फेट। ग्लूकोज एक है मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलाशित नहीं किया जा सकता मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। सुक्रोज का सूत्र है C12H22O11। अमोनिया आद्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? नीला। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज आपका हेक्सोज होता है। कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। शुगर में से सबसे मीठा कौन होता है? तो सुक्रोज होता है आपका। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम आपका प्रोटीन है। कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो एंटीपायरेटिक करता है आपका। ग्लिसरॉल है एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ग्लूकोज में काइरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? कार्बन की संख्या होता है आपका 4। फलों की शर्करा कहलाती है फ्रक्टोज कहलाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है? स्टार्च। सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है हाई सैकेराइड का। विटामिन सी खोज निम्न से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फंक ने। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? सेब तथा पपीता। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने। हीमोप्रोटीन मिलती है रक्त में। एमिनो एसिड्स की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य उदाहरण है ग्लाइसिन। सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है डीएनए में। फॉस्फेट बंध मिलता है नाभिकीय अम्लों में। संदेश वाहक होते हैं एमआरएनए। पसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन ए एंड डी। उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण है ग्लाइसिन। क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है हिस्टेडीन। प्रोटीन की के विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अमीनो अम्ल। स्टार्च तथा सेलुलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज। अम्लीय अमीनो अम्ल उदाहरण है एस्पार्टिक एसिड। क्षारीय अमीनो एसिड उदाहरण है हिस्टिडीन। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को। अनुष्की अग्राशय
द्वारा स्रावित हार्मोन्स, मनुष्यों के अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम क्या है? इंसुलिन। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। चलिए चैप्टर नंबर 14 आपका बहुलक। C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या कितना है? तो C4। प्राकृतिक बहुलक कौन कहलाता है? रबड़ और क्षीर। वे बहुलक जो गर्म करने पर नरम हो जाते हैं कहलाते हैं ताप सुनमक बहुलक। कैप्रोलैक्टस के प्रयोग में से निर्मित बहुलक है नायलॉन। टेरी लॉन है पॉलिएस्टर। कौन सा संघनक बहुलक नहीं है? डेकॉन। कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? सेलुलोज। रबड़ श्रेणी के समान बहुलकों का उदाहरण है थायोकॉल, ब्यूना एन, जीआरएन। नमक तथा मोम के समान बहुलक उदाहरण है पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉली ए कीलेट बहुलकों का उदाहरण है PMMA। संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक हैं नोबो लैक, नाइलॉन 6, बैकेलाइट। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है मोनोमर। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक है लेक्सन। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जैव बहुलक है DNA। कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? मेलेमीन। संघनन बहुलक उदाहरण है नायलॉन 6, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। संश्लेषित रबर नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल। फिनॉल का प्रयोग किसके द्वारा किसके उत्पादन में किया जाता है? बेकेलाइट। टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किया जाता है टेट्राफ्लूओरोएथीन का। पॉलीथीन एक बहुलक है एथीन का। कार के टायर में प्रयुक्त होता है ब्यूना रबर। बहुलक जो न टूटने वाली कॉर्करी बनाने के काम आता है वह है पॉलीमेलेमीन। एक उन्नत किस्म के रबड़ का उदाहरण है नियोप्रीन। कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? तो पॉलीस्टायरीन। बेकेलाइट है ताप दृढ़ बहुलक। ब्यूना एस है संश्लेषित बहुलक। ब्यूना एस एस का अर्थ है स्टायरीन। नायलॉन 6 में अंतर आणविक बल होता है एच आबंध। कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? PTFE। संघनक बहुलक है पॉली एथिल ग्लाइकॉल थैलेट। PVC एकलक है क्लोरोएथीन। बहुलक सह बहुलक है नायलॉन 6। कौन सा बहुलक समबहुलक का उदाहरण है नियोप्रेन। बहुलक में प्रबल अंतर आणविक बल होता है ताप दृढ़ बहुलक। पॉलीथीन एक है ताप सुदृढ़ प्लास्टिक। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है आइसोप्रेन। कौन सा बहुलक सह बहुलक है ब्यूना। कौन सा प्राकृतिक रेशा है सेलुलोस। कौन सा बहुलक नहीं है सुक्रोस। कौन सा पूर्ण फ्लोरीन बहुलक है टेफ्लॉन। आर्लोन में होता है विनाइल क्लोराइड। पॉलीएमाइड है नायलॉन 6। कौन सा बहुलक का एक उदाहरण है ब्यूना। एमीन NH3 में एन का संकरण होता है तो आपका SP3 है। NH3 में एन का संकरण होता है कितना SP3। एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है यौगिक है एमाइड। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है एसिटिल्डिहाइड। CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है इथाइल एमीन। एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है तो उत्पादन बनाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती है CH3 NH2।
मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा अमीनो अम्ल में CHCOOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है NH2 ग्रुप। नाइट्रो समूह का बेंजीन बलय पर प्रभाव होता है। निष्क्रियकारी ऑयल ऑफ मीरा बेन कहलाती है। नाइट्रोबेंजीन मूलिकन बाकर परीक्षण में नाइट्रोबेंजीन का अपचय उत्पादन करता है C6H6NHOH। नाइट्राइली समूह क्रियात्मक समूह पाया जाता है 3 डिग्री अमीन में। हिंसबर्ग अभिक्रमक कहलाता है। C6H5SO2Cl 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमोन्स के पृथक्करण की सबसे अधिक व्यवहारिक औद्योगिक विधि है। प्रभाजी आसवन विधि एलिफैटिक एमेंस की क्रिया का समूह समान सूत्र है CNH2N+1NH2। एल्किन साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनाता है एमीन। एमेंस की श्रेणी का समान सूत्र है CNH2N+1NH2। CH3CN का IUPAC नाम क्या है? एथेनाइट्राइल। एल्किल साइनाइडों के अपचयन से उत्पाद प्राप्त होता है 1 डिग्री एमीन। एल्किल साइनाइडों के आंशिक जल अपघटन से उत्पाद प्राप्त होता है 1 एमाइड। एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। बेंजीन बेंजीनिलाइड कौन सा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से प्रयुक्त नहीं हो सकता है? बेंजील एल्कोहल। अंतर आणविक हाइड्रोजन प्रबल होता है मिथेनॉल। एनिलीन और बेंजेल्डिहाइड अभिक्रिया है संघनन। कौन सा प्रबल क्षार है? बेंजीन एमीन। भस्मिता का घटता हुआ क्रम कौन सा है? NH3CNH C2H5NH2C2H5 होल्डवाइज NH C2H5 होल्डवाइज N। एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर्स बनाते हैं स्किप्स बेस। बेंजीन का सरल सूत्र है C6H6। CONH2 ग्रुप को कहा जाता है एमीडो ग्रुप। C2H5NH2 का IUPAC नाम क्या है? एमिनो एथीन। कौन प्रबलतम भस्म है? CH3CNH2। एनिलीन में पाई बंडों की संख्या 3। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिकम कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो C(OA)। कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो B CH3CHO। कीटोन RCOR- अपचयन LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2O से कराने पर प्राप्त होता है सेकेंडरी अल्कोहल। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? HCOOH। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? CH3COH। कीटोन का समान सूत्र है RCOR- CH3COCH3 का IUPAC नाम है। प्रोपेनॉन एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है भाग लेते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। HCOH एक है एकल भास्मिक अम्ल CH3COH का IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से गुजरता है? HCHO। पारा एल्डिहाइड किसका त्रिभयक है? इथेनल। यौगिक CH2 CH 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 कितने केनोनिकल संरचना दिखाता है? 3। कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है? तो NA2CO3। किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन
कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है कनिजारू प्रतिक्रिया में, कनिजारू प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है एसिटाल्डिहाइड। मेथिल क्विटोन को पहचाना जाता है आयोडोफॉर्म परीक्षण। एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है डाईमेथिल कैडमियम। PbBaSO4 की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड का जलयोजन बनाता है बेंजाल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा एकल सैकराइड है फ्रुक्टोज। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण देता है HCHO। एकल प्रबल छा जिससे हाइड्रोजन कम कर सकता है कीटोन। कौन जलीय KOH को गर्म करने पर एसिटाल्डिहाइड बनाता है CH3CHCI2। एसीटोन को अमोनिया में गर्म करने पर उत्पन्न होता है डाई एसीटोन एमीन। चलिए अगला चैप्टर आपका एल्कोहल फिनॉल एवं मिथाइल। एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक होते हैं तो OH CH3COC2H5 का UPAC नाम क्या होता है। निम्न से कौन मिथॉक्सी मिथेन का सूत्र है CH3COCH3। एल्केनल का समान सूत्र क्या होता है CnH2NO। इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि जल के साथ निर्माण करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। फिनॉल का समान सूत्र होता है C6H5OH। इथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल के अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है इथेन। मिथेनॉल का सूत्र है CH3OH। एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है 3 डिग्री एल्कोहल। ROH CH2N इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह है और 1 डिग्री 29 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर जांच प्रतिक्रिया करता है। इनमें से सभी ऑक्सीकरण विधि लुकास प्रतिक्रिया कारक जांच रिक्टर मेयर परीक्षण। ग्लिसरॉल है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कास्ट स्प्रिट कहलाती है CH3OH। सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का एल्कोहल में कौन टू ब्यूटीन देता है ब्यूटेन टू ऑल। प्राथमिक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है CH2OH। द्वितीयक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है CHOH। कौन मिश्रित इथर को प्रदर्शित करता है RO-R-. फिनॉल में COH कौन का मान होता है 109 डिग्री। विस्फोटक पदार्थ बनाने प्रयुक्त होता है ग्लिसरॉल। जब एल्कील हैलाइड को शुष्क Ag2O के साथ गर्म करते हैं तब यह बनता है इथर। एल्केनॉल समजात श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला समान सूत्र है CnH2NO। फिनॉल की प्रकृति है अम्लीय। कौन सा प्रबल अम्ल है एम क्लोरोफिनॉल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को कथनों का सही क्रम क्या होगा 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा 2 डिग्री का उससे कम 3 डिग्री का सबसे कम। आंसर ए। जब फिनॉल को ट्वेट से विक्रिया किया जाता है तब क्या बनता है बेंजीन बनता है इथर होते हैं क्षारीय। लकड़ी स्प्रिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है मेथेनॉल। एसीटोन को ग्रिगनॉड अभिक्रमक से क्रिया चिल करके प्राप्त किया जाता है 3 डिग्री एल्कोहल। हेलो एल्केन तथा हेलो एडीन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है तो 4। कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है ग्रेफाइट। अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है ग्रेफाइट में। हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है sp3। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है गलनांक।
एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है स्थापन अभिक्रिया द्वारा। CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है आयोडीन मुक्त होकर निकलना। समान सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है एल्केन, एल्कीन का समान सूत्र है CnH2n। इथेन में कार्बन संकरण है sp3। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है 2। एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n। OH और R उदाहरण है न्यूक्लियोफाइल के। ON डबल बंधन O है उभय दंती नाभिकीय स्नेही। MgCH3MgI जल से अभिक्रिया कर देता है CH4। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है इथर। CO2 ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया कर देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। हेलोएलगेंस में कार्बन पर प्रसंस्करण करता है sp3। हेलोएलेंस में C प्रसंस्करण करता है sp2। हेलोएलगेंस में कार्बन X बंधन की प्रकृति होती है सहसंयोजक ध्रुवीय। निम्न में से किसमें नाभी करा गीता उच्चतम होती है OH का। एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया प्रदान करती है रेसिमिकरण। बी हाइड्रोजनीकरण में अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम RI सबसे ज़्यादा, RBR सबसे उससे कम, RCI उससे कम, RF सबसे कम। HBr का संगलन किसके साथ आसान है CH3C डबल बंधन CH2D। 2-chloro-4-methyl-X2N के कितने ध्रुवन समवयव है C4। बेंजीन की क्लोरो क्लोरीकरण करने में क्रियाशील अवयव है Cl+। CH4 में सिगो बंधन बंधनों की संख्या है 4। C2BrClFi यौगिक के संभावित समवयव है 5। पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में प्रोपीन में HBr मिलाने से प्रथम चरण में किसका संलग्न होता है हाइड्रोजन आयन का। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है ए और बी दोनों योगात्मक प्रतिस्थापन दोनों। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए इथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करता है C2H5Cl का। सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है CH3CH3C। कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है CH3O। उप सहसंयोजक यौगिक पे H2PtCl2 का यूपीएसी नाम क्या होगा आपका हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट 4। वह संक्रमण धातु जो जिगलर नाटा उत्पीड़क के रूप में काम में लाया जाता है तो आपका टाइटेनियम TiTeL अर्थात टेट्रा एथिल लेड का प्रमुख उपयोग है प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में। पोटास एलम का जलीय विलयन होता है। अम्लीय प्रकृति का पोटास एलम उदाहरण है। द्विकलवन का धनाविद्युति लिंगैंड का उदाहरण है NH2NH3। किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है NiCl4 पावर 2 आयन ऋण आयन। निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है Zn2+ हरा होता है FeSO4 × 7H2O। लिगंड सक्षम होते हैं जो क्रम कम से कम इनमें से सभी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं। मोहर लवण का सूत्र है FeSO4 NH2 × 7H2O। संकुल होते हैं तीन प्रकार के K4FeCN6 वो एक उदाहरण है आयनिक संकुलन का। K3FeCN6O1 है उपसंयोजक यौगिक। इनमें से किसमें निकेल का ऑक्सीकरण अंक शून्य होगा निकेल CO4 का। उदासीन लिगैंड का उदाहरण है नाइट्रोसमूह। कौन सा कार्बन धात्विक यौगिक नहीं है C2H5ONa।
निम्न में से किसमें पक्ष अवंधन पाया जाता है? CTH5, वाइट होल टू ओ एफ ए। निम्न में से दुर्बलतम लिंगेंड उदाहरण है CI का। सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त फंड्स ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रक पाई जाती है 4%। निम्न में MN की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है? KMnO4 में। S3Ti4 प्लस Zn2 प्लस का चुंबकीय घूर्ण होता है 0। संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणी है 3। संक्रमण धातुओं की पूर्ण श्रेणियां होती है 3। निम्नलिखित में से मिश्र तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं? वर्ग 13 और 11 के तत्व 3D संक्रमण श्रेणी में उत्पाद है CR और CU। 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है? Zn। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होता है? डी इनमें से सभी। S3+ Ti4+ Ti4+ V3+ Cu+ Zn2+। कॉपर का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D10 4S1। Ti के निम्नलिखित विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है 2+3+4+। Cu ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है 1+ और 2+। लैंथेनाइड का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Xe2N2N-2F^14 इलेक्ट्रॉन N-1D1 और NS2। जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव है CuZnNi। निकिल कार्बोनिल में निकिल का ऑक्सीकरण अंक होता है 0। आयरन कार्बोनिल में Fe का ऑक्सीकरण अंक होता है 0। क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक होता है 0। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव होता है Cu तथा अल्मोनियम Al। पीतल का मुख्य अवयव होता है Cu तथा Zn। डी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डम्बबेल। इस ऑर्बिटल का आकार होता है गोलीय। संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है N-1 डी क्यूबर 1 से लेकर 10 तक NS12। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप क्रम पर द्रव्य है? Hg। संक्रमण तत्व है डी ब्लॉक के तत्व। रेड लेड कौन है? रेड लेड आपका Pb3O4 होता है। CuSO4 के घोल में लोहा का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग प्रतीत हो जाता है भूरे में। निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से विक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो आपका हो जाएगा Cu। पिटवर लोहा में कार्बन परमाणु का प्रतिशत कितना होता है? 0.02%। किसका +2 ऑक्सीकरण संख्या अवस्था सबसे स्थिर है? Pb का। नेस्लर अभिकारक के साथ पीला तथा भूरा अवक्षेप देता है Ki। कौन संक्रमण धातु का आयनन अनुचुंबकीय है? Zn2+। कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? मैग्नीशियम। कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? Mg। फुल प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है Si। कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? सोडियम। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक। किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है? Hg पारक का। किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है? OS। द्रव धातु कौन सा तत्व है? Li, Ga और Hg। किस धातु का गतनांक न्यूनतम होता है? Hg का। किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है? Sc का। डी कक्ष को के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह है Cr3CO2+। आयनों में D6 आयन उदाहरण है CO3+। समान अनुचुंबकीय आघूर्ण Bm वाले समूह हैं।
Ti3+ भी 4+ कॉपर सदस्य है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का, प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के तत्वों में घनत्व में वृद्धि होती है। Sc से Cr तक Al3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0। लैंथेनाइड जिसकी +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था समान है। EU का घंटा धातु मिश्र धातु है। Cu+Pb का कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? ग्रेफाइट। लैंथेनाइडों की समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है। C3 एक्टिनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। 6 एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अथवा अवस्था दशनी वाला तत्व होता है। Am पारा यूरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा है? Pu। HCP इकाई सेल परमाणु की संख्या 12। कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? CrO2। क्रिस्टल होते हैं चार प्रकार के। रबदार ठोस है हीरा। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है 0.74। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है 32। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है 12। निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? HCP और सिंपल क्यूबिक। क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में A नॉट इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C और अल्फा बीटा और गामा और 90 डिग्री पैमाना पैरामीटर वर्तमान रहता है? ऑर्थोरॉबिक। ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है? F केंद्रकों के कारण। पोटेशियम का क्रिस्टल होता है फलक केंद्रित घनीय जालक में और NaCl क्रिस्टल की संरचना भी सेम ही होता है फलक केंद्रित घनीय जालक में। सोडियम क्लोराइड का जालक है अष्टफलकीय। किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? पोटेशियम की K की। बैग समीकरण है तो N λ = 2D sin θ। बाउंड्री सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदु की संख्या कितनी होती है? तो 2। सिंपल क्यूबिक एकक सेल के संकुलन क्षमता होती है 52%। शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व होता है घट जाता है। फ्रेंकल तथा शॉट के दोष होते हैं परमाणु दोष। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका कितने एकक कोष्ठिका के साथ सहभाजित होते हैं? 8। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं? 14। C6H6 कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय। FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? 4। CsCl की क्रिस्टलीय संरचना होती है BCC। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में के क्रिस्टल में आप किसमें थनाइनों तथा रिनाइनों के केंद्रकों में अधिकतम दूरी होगी? CsI में। पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोज इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 3। Na2O में सोडियम की उपसंयोजकता कितनी होती है? 4। अब केंद्रित घनीय संरचना में उपसंयोजक संख्या होती है 8। ट्रांजिस्टर सीटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तत्व है SI। कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? SiO2। कौन बेरवेदार ठोस है? कौन क्रिस्टलीय ठोस है? क्वार्ट्ज ग्लास SiO2। बिलियन। प्रसरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? P = RT/RT/C। अर्धपारगम झिल्ली के प्रसरण क्रिया में निकल पाते हैं विलायक के अणु। आदर्श बिलियन का निम्न में से कौन सा गुण है? यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। बिलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? प्रसरण। शुद्ध जल का pH मान होता है आपका 7। कौन से जलीय घोल के हिमांक बिंदु न्यूनतम है? 0.005 mg SO4। मानव रक्त का pH मान होता है 7.4।
अगर एन घोल पदार्थ के मोल की संख्या तथा एन घोलक के मोल की संख्या, तो घोल के मोल प्रभाव जो होगा आपका एन बाई एन प्लस एन। कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? मोललता। H3PO4 के एक मोल विलयन की निर्मलता कितने होगी? 3.0 N। दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन को पर उर्वर उबलता है कहलाता है एजोट्रोप। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है 30 ATM। CaNO3 NO2 का वांट हॉफ गुणांक होता है C3। ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है। इसके 1 ग्राम मोल कितने आयतन में घोले हुए हैं? 1.8 लीटर। निम्न में कौन अनुसंख्या है गुणधर्म नहीं है? प्रकाशिक संक्रियता। किसी घोल का प्रसारण दाब का संबंध दिया गया है डी बराबर πc = ST। परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्या के योगफल के। किस विलयन में विलयन का मोल प्रभाव व्यक्त किया जाता है? x solute = ny(n+n)। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है P0 - PS/P0। निम्न में से कौन रॉल्ट नियम है? P = KHx। निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मोललता। जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? 0.1 mol Na2SO4। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा 20.2% HCl। प्रसरणीय दाब बढ़ाता है जब तापक्रम बढ़ता है। विद्युत रसायन चैप्टर नंबर 3। जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें किसमें किसे अभिकृत नहीं करेगा? आपका Fe3+ में। किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो Mg का। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं निर्मोद प्राप्त प्रतिफल है बी में। F2 और H2 वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड सेल इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है उसे कहते हैं कैथोड। एक विद्युत अपघट्य है ठोस अवस्था में भी आयन रखता है। प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जो सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम है विद्युत अपघट्य संतुलन भार के। कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी। 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है 31.75 ग्राम कॉपर। इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता है 1/16×10⁻¹ कूलम। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है ओम मीटर। विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे फैराडे ने। फैराडे का प्रथम नियम है M = ECT। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है ग्राम। एक फैराडे होता है 9.6500 कूलम लगभग। फैराडे की इकाई है कूलम पर मोल इन्वर्स। कूलम पर मोल सेल स्थिरांक होता है L/A। विलयन की चालकता का समानुपाती होता है आयनों की संख्या के। निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। विद्युत अपघटनी चालकता मापक है विभव का। कोला राउस का नियम है λ(m)∞ = λ++λ-। विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं हो करती प्रतिरोध पर। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल। निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकारक है F2। चालकता की इकाई है ओम मीटर इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के।
किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर निर्भर करता है। सक्रिय भार किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान होता है। तो डेल्टा एच बराबर जीरो। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी के पावर 1/2 अल्फा ए समानुपाती ए। किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है। दूसरे क्रम के अभिक्रिया में के की इकाई होती है सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया गया है माने dc/dt। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है तापक्रम पर। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है मोल लीटर से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है समय इनवर्स से। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है ताप से। किस प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है अभिकारक की सांद्रता पर। किस रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है सी होगा आपका लॉग के तथा 1/t के मध्य। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर है निश्चित होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 1 का मान होता है 0.693/k। परंतु कुछ